87% बच्चे कह रहे हैं कि जेई और नीट को पोस्टपोन करो। इस पर NTA क्या रिप्लाई दे रहा है कि हम सारे SOPs फॉलो करेंगे। हम क्या इनको पागल दिख रहे हैं? अभी हमने रिसेंटली दो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हुए देखे और हमें साफ साफ देखे वहाँ पे क्या हालत थी। जो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, आप उसके बेसिस पे लाखों बच्चों की जान कैसे दांव पर लगा सकते हो? आप 50 गेट तो बनाओगे नहीं तोड़ के, एक ही गेट से घुसेंगे सारे बच्चे, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो वहीं पर ठप हो गई। और उसके बाद आप जो कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की बात कर रहे हो, बायोमेट्रिक्स आने को कैसे टैकल करोगे? इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो सभी तभी आ ही जाएंगे। और चलो कोई बात नहीं, बच्चा अगर एग्ज़ाम देने बैठ भी गया तो अगर उसको पता चलता है कि उसके साइड वाले बच्चे की या फिर अगले रो वाले बच्चे की तबीयत खराब हो चुकी है, तो वो क्या पैनिक नहीं करेगा? कंसंट्रेट थोड़ा ना कर पाएगा एग्ज़ाम पे? और एक कमरे में 3 घंटे बंद कमरे में मास्क लगा के बैठना ईजी होता है, और ऊपर से जो लोग चश्मे पहनते हैं उनके मास्क की वजह से चश्मों पर फ्रीक्वेंटली फॉगिंग हो जाती है, तो वो क्या हर 5 मिनट में चश्मा उतार के साफ करेंगे? और अगर मेरे को पता चलता है कि मेरे को कोविड के सिम्टम्स मेरे को फील हो रहा है और मेरे 4 दिन बाद जेई का पेपर है, तो मैं क्या किसी को बताऊँगा या फिर मैं टेस्ट कराने की सोचूंगा अभी? ऑब्वियसली नहीं। और बीइंग एन कोविड पॉजिटिव पर्सन, अगर मैं वहाँ पर जाकर सेंटर में 25 लोगों के बीच में जाकर बैठता हूँ और मैं 25 लोगों को अफेक्ट करके आऊँगा, तब क्या करोगे? और आप तब से ये वाले बात करे जा रहे हो कि हम बच्चों को बचाने के लिए ये कर रहे हैं, आप ये तो बात ही नहीं कर रही कि अगर इसको हो गया तब क्या करोगे? आप तो उस टॉपिक को टच ही नहीं कर रहे। सर, हम बच्चे हैं, लैब के चूहे नहीं हैं। एक्सपेरिमेंट मत करो, पोस्टपोन करो।